सहरसा जिला के पतरघर थाना क्षेत्र के जमहरा पंचायत स्थित भद्दी कला वार्ड नंबर 13 निवासी सियाराम यादव की पुत्री नेपुल कुमारी का शनिवार की देर शाम अपने पति के साथ बाइक से ससुराल जाने के दौरान पतरघर सौर बाजार मुख्य मार्ग स्थित कपसिया नदी पुल से पश्चिम उत्तर गौरवगढ़ जाने वाली कच्ची सड़क पर गला रेत कर हत्या कर दिया गया है। मृतका के पुत्र आर्यन कुमार का कहना है कि पापा ने पटक पटक कर मम्मी का मार रखे। हत्या की खबर सुनते ही नैहर भद्दी कला में कोहराम मच गया। मृतका का भाई मनसु कुमार ने बताया कि शनिवार की देर शाम उनका बहनोई सौर बाजार थाना क्षेत्र के बकरी वार्ड नंबर 13 निवासी नीलेश यादव पिता शोभाकांत यादव उनकी बहन नेपुल कुमारी एवं 2.5 वर्ष का पुत्र आर्यन कुमार को बाइक से अपने घर बकरी लेकर चला था। बोला था कि सौर बाजार पहुँचते ही कॉल करेंगे। लगभग 1.5 घंटा के बाद उनके द्वारा फोन करने पर बहनोई बोला कि कपसिया के पास पहुँचे हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बहन की ससुराल बकरी से फोन आया कि कपसिया शीतलपट्टी पुल के पास बदमाश गिर रखा है। उसके बाद वे पतरघर पुलिस को सूचना देते अपने परिजनों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। पतरघर पुलिस भी सूचना पर पहुंच चुकी थी। मुख्य मार्ग पर 2.5 वर्ष का पुत्र आर्यन को लेकर बहनोई खड़ा था। बहनोई के द्वारा घटनास्थल पर दिखाया गया जहां नेपुल कुमारी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मृतका नेपुल कुमारी का शव को सौर बाजार पुलिस कब्जा में कर ली गई और पति को पतरघर पुलिस कब्जा में लिया। 2.5 वर्ष का पुत्र आर्यन अपनी तुतली बोली में पिता पर मां की हत्या किए जाने की संभावना जता रहा है। वहीं मृतका का भाई मनसु कुमार ने भी बहनोई द्वारा हत्या किए जाने की संभावना व्यक्त किया है। जहां पर नेपुल कुमारी की हत्या की गई है वहां से यह मालूम हो रहा है कि सनकी पति के द्वारा ही बेहरमी से पीट पीट कर उन सहयोगियों के साथ गला रेत कर हत्या कर दिया है और अपने आप को बचाने के लिए पुलिस के सामने नाटक कर रहा है। मालूम हो कि वर्ष 2020 में नेपुल कुमारी की शादी सौर बाजार के बकरी वार्ड नंबर 13 निवासी शोभाकांत यादव के पुत्र नीलेश यादव के साथ हिंदू रीति रिवाज का अनुरूप किया गया था, जिसमें 2.5 वर्ष का एक लड़का आर्यन है। नेपुल कुमारी को क्या पता कि शनिवार को ससुराल जाने के दौरान उनका आखिरी दिन होगा। भद्दी में मां सुलेखा देवी, पिता सियाराम यादव सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 2.5 वर्ष का आर्यन कुमार अपने नाना नानी के पास है। आर्यन को यह भी पता नहीं कि आखिर हमारी मां कहां है। इस बात को लेकर पतरघर थाना अध्यक्ष पुनी अजय कुमार पासवान ने बताया कि घटना स्थल सौर बाजार थाना क्षेत्र में है। इस मामले में सौर बाजार थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सौर बाजार थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि नीलेश कुमार के द्वारा अपनी पत्नी नेपुल कुमारी का हत्या किया। नीलेश कुमार को पुलिस हिरासत में लिया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। घर से निकल रहे 8:30 बजे। हमारा बुझलिए एक बार फोन लगेलिए जिया जी के कल के कि हम पहुंच गए कपसियान छे। तब हम बुझलिए हमारा बुझलिए पहुंच गए तो कल के सौर बाजार जब फोन कर देव तो तब बकरी से फोन कर लगे कि कपसिया पुल्ला पर घेरने से सबटा एत अलिए घेरलिए नहीं मिले। एने को छे बगल में पुल्ला के बगल में पीपर के गाछ के बगल में ओने उत्तर ओत काट दिल्क अच्छा अपना नुनू के आ अपना एने टहल गए हल्ला तब लैके तोर सिस्टर के नाम की रही नेपुल कुमारी उम्र कते है 22। तोहर की नाम छो तोहर तोहर मनसु कुमार जे मरले उ के छे तोहर हमर बहिन छे क्या साल पहले शादी भेल रह 2020 में भेल रह 2020 में की तोरा के की आरोप छ के हत्या के कने हेते जिया जी कर लगे तोहर जिया जी बच्चा के हम छ कौन है का भाई ना सुनी ने ताकि की कहे छ त की कहे छ जिया जी जे हत्या केल का आखिर कोनो कारण हेते कारण कोनो ने रहे कोई कारण ने छे हमरा के कोई रिपोर्ट हमरा कोनो चीज जानते ने रहे स्टेशन में भी है निकल ले हन की प्यारा एक चीज मतलब जे जिया जी के नाम छ जिया जी नीलेश कुमार 11 के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई थी सौर बाजार से जो कि एक महिला की सरकटी लाश खेत में मिली। जो खेत है वो शीतलपट्टी स्थित गौरवगढ़ जाने वाली कच्ची पगडंडी के पास इस महिला जब तुरंत इस घटना को संज्ञान वरिपदाधिकारी को उन्होंने सूचना दी तहसील साहब ने और घटनास्थल पे स्वयं गए। साथ में पतरघट थाना एवं बैजनाथपुर को भी भेजा गया वहाँ पे ताकि विधि व्यवस्था को देखा जाए एवं अन्य साक्ष्य वहाँ पे कलेक्ट किया जाए। साथ ही साथ एक तुरंत ही एक SIT का गठन किया गया SDPO सदर के नेतृत्व में ताकि इस कांड का जल्दी उद्भेदन हो। जब सौर बाजार एस एच ओ वहाँ पर गए तो स्पाई की एक घटना सही है। वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी थी और महिला का जब पता लगाया गया तो इसका नाम नेपुल देवी पति नीलेश यादव था। ये ग्राम बखरी थाना सौर बाजार के रहने वाले। जब कहानी के बारे में पता चला तो यह था कि ये जो नीलेश हैं वो अपने पत्नी निपुल को मायके से जो कि पतरघट थाना क्षेत्र में था सौर बाजार रात में ले जा रहा था।
और उसी क्रम में यह घटना हुई। पहले तो यह प्रतीत हो रहा था कि पति खुद ही इसमें एक विक्टिम है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग पति का ही बयान लिए कि साथ में थे ये लोग मोटरसाइकिल। पति ने यह कहा कि पांच छह लोग आए अचानक अंधेरे में और मारपीट किया हम मेरे साथ, मेरे को साइड में कर दिया और मेरी पत्नी को उठा के ले गए और वहाँ पर जाकर उनके साथ उनकी हत्या कर दी और मैं डर से भाग गया। इसीलिए उनसे आवेदन लिया गया और आवेदन में उस समय पांच छह अज्ञात लोगों के विरुद्ध मारपीट कर हत्या कर दिए जाने के फर्ज बयान के तहत 359.24 सौरभजा थाना में कांड दर्ज किया गया। उसके बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट्स लेना शुरू किया और क्राइम सीन रिक्रिएशन शुरू किया। जब पति को वहाँ पे ले गए क्राइम सीन में कि बताइए कैसा हुआ क्या हुआ, तो उनके जो बयान था और जो उन्होंने बार बार बयान बदल रहे थे वो, और काफ़ी विरोधाभाषा उसमें आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस थे उनके बयान। फिर सीनियर लेवल के ऑफिसर्स भी जाके जब उनका बयान लिए तभी भी काफ़ी वो बात बदल रहा था। तो फिर हमें लगा कि पति पे ही फोकस करके इस पर हम लोग अनुसंधान करें। पूरे क्राइम सीन को जहाँ महिला का की मृत्यु हुई थी वहाँ पे हम लोग काफ़ी बड़ा सर्च अभियान शुरू किए और वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे अच्छे साक्ष्य मिले। साक्ष्य के रूप में जो है वो हमें वहाँ पे बटन मिला जो कि पति के शर्ट का था, वहाँ पे पेन मिला और भी कई सारे कई सारे टोपी मिली और भी कई सारे साक्ष्य मिले। इसी पे जब हम लोगों ने पति से पूछा तो उसने इस बात को कन्फेस किया कि उसने ही अपनी पत्नी को मारा है। इसी की निशानदेही पे हम लोग जो चाकू का इस्तेमाल किया गया था वह भी हम लोगों ने बरामद किया और वो चाकू जो है वो बैजनाथपुर स्थित एक दुकान से खरीदा गया था। उस दुकानदार का भी हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया और उसने भी इस बात